हे गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं आकाश और आज हम इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो CSIR नेट पार्ट ए में जनरल एप्टीट्यूड का जो क्वेश्चन था, एक जब CSIR नेट की आंसर की जारी हुई तो उसमें उस क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग बता रखा है, लेकिन उस क्वेश्चन का आंसर जो है कुछ और होगा। तो चलिए देखते हैं वो कौन सा क्वेश्चन है और उस आंसर किस प्रकार से हम निकालेंगे। तो क्वेश्चन है, एक संक्रमण के फैलाव के चक्र में प्रत्येक व्यक्ति 3 और व्यक्तियों को संक्रमित करता है। नए संक्रमित लोगों में से 1/3 सावधानी रखते हैं, यानी कि अगर 3 संक्रमित हो रहे हैं तो 3 में से 1 यानी वो सावधानी रखेगा और दूसरों को संक्रमित नहीं करता है। कोई भी संक्रमित व्यक्ति तीसरे चक्र के अंत तक न तो ठीक होता है और न ही मरता है। तो एक व्यक्ति से आरंभ करके तीसरे चक्र में नए संक्रमित लोगों की संख्या क्या होगी? तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या करें। प्रत्येक व्यक्ति, एक व्यक्ति से आरंभ करना है, तो मान लीजिए ये कोई एक व्यक्ति है, यहाँ मान लेते हैं, ये लीजिए, ये क्या करेगा, 3 और व्यक्तियों को संक्रमित करेगा। तो ये किसने कर दिया, ये करेगा 3 और व्यक्तियों को संक्रमित, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है। अब क्या करेगा कि जो प्रत्येक व्यक्ति, ये यहाँ तक क्या हुआ, ये हो गया पहला साइकिल, साइकिल फर्स्ट कंप्लीट, इसने 3 को संक्रमित कर दिया। अब कह रहा है कि प्रत्येक 3 में से, मतलब यानी कि 1/3 संक्रमित लोगों में से 1/3 सावधानी रखते हैं और दूसरों को संक्रमित नहीं करते, यानी 3 में से कोई भी एक ही सावधानी रखेगा। तो मान लेते इसने सावधानी रखी और इसको अपन ने डिब्बे में पैक कर दिया, यानी ये आगे अब संक्रमित नहीं करेगा। अब बचे 2, वो आगे संक्रमित करेंगे। तो अब देखिए, ये फिर से 3 को संक्रमित करेगा, ये भी 3 को संक्रमित करेगा, ठीक है। अब 3 को इन्होंने संक्रमित कर दिया, यानी 1, 2 और ये 3, 1, 2 और ये 3, ठीक है। अब इनमें से जो ये था कौन सा, प्रत्येक 1/3, यानी कि प्रत्येक 3 में से एक संक्रमित को, संक्रमण को आगे नहीं फैलाएगा, यानी ये भी नहीं फैलाएगा और ये भी नहीं फैलाएगा, ठीक। बचे हुए 2-2 जो है वो संक्रमण को आगे फैलाएंगे। तो अब देखिए आप, ये यहाँ तक अपना हो जाएगा साइकिल नंबर 2 कंप्लीट, ठीक है। अब साइकिल नंबर 3 की बारी आएगी, तो 3 में क्या होगा ये देखते हैं। तो ये भी 3 में फैलाएगा, ये भी 3 में फैलाएगा, ये फैलाएगा नहीं क्योंकि 3 में से एक तिहाई ने बचाव कर लिया, वो आगे संक्रमण नहीं फैलाया। फिर बचाइए, तो ये भी 3 को फैलाएगा और ये भी 3 को फैलाएगा। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है कि तीसरे चक्र में नए संक्रमित लोगों की संख्या पूछी है, ना कि तीसरे चक्र तक नए लोगों की संख्या, यानी कि जो तीसरे चक्र में जो नए संक्रमित लोग हुए हैं उनकी संख्या पूछी है। इसका मतलब तीसरे चक्कर, यहाँ से अगर अपन तीसरे चक्कर की बात करें तो ये हो गया अपना, यहाँ से ये तीसरा चक्कर आ गया, ठीक है। अब इनको काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, यानी कि अपना जो राइट आंसर है वो होगा 12। जबकि आंसर की बात करें तो आंसर की में ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर दिया गया है, जो कि रॉन्ग है, इसका राइट आंसर होगा 12। तो चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए हमारे चैनल के साथ और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, थैंक यू। और अगर बात करें रिजल्ट की, तो हमने NTA हेल्पलाइन में फ़ोन किया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, उस वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा,